नमस्कार दोस्तों, आरकेएस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अभी हम ग्रेडी हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और जो भी यहां की अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आइए अंदर हम डॉक्टर जी से बात करते हैं कि तीसरी लहर को लेके जो पोजीशन है वो किस तरह से फेस कर रहे हैं या इनके अपने प्रावधान क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ग्रेडी हॉस्पिटल डॉक्टर वेंकटेश्वर जी से मिलाने जा रहे हैं और जो भी कोरोना काल की अपडेट है वैक्सीन के बारे में, मरीजों के बारे में और लोगों को सरकार के निर्देश अनुसार जो भी गाइडलाइन मिली है उस पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। और डॉक्टर सर, पहले तो आप प्लीज अपना नाम और डेडिकेशन के बारे में जनता को बताएंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर वेंकटेश्वर सिंह रणौत है। मैं पीएचसी भरेड़ी में एज अ मेडिकल अफसर तैनात हूँ इस समय पर। सर, कोरोना महामारी के चलते आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? जी, जब से जिस तरह से आपको पता ही है कि कोरोना की जो वैक्सीन है, जो फर्स्ट डोज लगती है और सेकंड डोज लगती है, तो वो हमारे जो पीएचसी है उस बरेड़ी में जनवरी के महीने के बाद से ऑलमोस्ट निरंतर लगना स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट डोज अभी कुछ जो व्यक्ति हैं उनको सेकंड डोज लगना बाकी है, पर जिन व्यक्तियों को सेकंड डोज लग चुकी है अगर वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं तो उन व्यक्तियों को जो लक्षण है वो बहुत कम इन्फेक्शन से दिखाई दे रहे हैं। तो अभी इस समय इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आते हैं, जो अगर हमारे पीएचसी में कोई मरीज आता है बाहर से, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सरकार के निर्देशानुसार जो बताया गया है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, हाथ ना मिलाएं और एक दूसरे के साथ जो खांसते और छींकते वक्त अपने नाक को ढक के रखें। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि सारे लोग उन जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, सख्ती से पालन करें। कई बार कोई लोग होते हैं तो जो एमरजेंसी में कोई लोग आ भी जाते हैं तो हम उनको पूछ लेते हैं, बोल देते हैं कि आप मास्क लगाइए, तो वो लोग बोलते हैं कि ओके ठीक है, हम एमरजेंसी में भूल गए मास्क, तो वो लोग भी लगाते हैं बाद में मास्क। ऐसा नहीं है कि लोग जनता पालन नहीं कर रही है। वेंकटेश्वर जी, क्या सरकार कोरोना के चलते अस्पतालों के लिए जो सामान उपलब्ध है वो प्रॉपर रूप से मिल रहा है या नहीं? जी हाँ, वो जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आते हैं उन लोगों को जो आवश्यक सामग्री होती है, जैसे दवाइयाँ या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से और आयुर्वेदा विभाग की ओर से जो हम लोगों जो को मरीजों को देने के लिए चमनप्राश दिया गया है, काढ़ा दिया गया है, थर्मामीटर है और उसमें फिर सैनिटाइजर है, काफ़ी सामग्री की एक किट बनाई गई है जिसमें, तो वो समय समय पर हम लोगों को मुहैया करवाई जाती है, जिससे हम जो मरीज कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उसके घर तक हम वो किट पहुँचाते हैं। अगर हमारे पास कोई मरीज आता है सिम्टम्स के साथ, अगर उसको लक्षण है, तो अगर वो यहीं पे हमारे पास कोरोना पॉजिटिव आता है तो हम उसके हाथ में ही वो किट जो है वो उसके पास देकर उसको घर के लिए रवाना करते हैं या होम आइसोलेशन के लिए बताते हैं जाने के लिए। हाँ, कई बार हम लोगों के पास जो किट्स होती हैं वो कई बार हमारे पास कमी पाई जाती है क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे करके, पर वो कभी ना कभी उनको मेडिसिन तो मिल ही जाती हैं, घर तक पहुँचा दी जाती हैं आशा वर्कर्स के द्वारा। सर, तीसरी लहर को लेके आपका जनता को क्या संदेश है? मेरे पास जो अभी आंकड़े मौजूद हैं अगस्त महीने से अब तक जो लोग लक्षणों के साथ हमारे पास आए थे उनमें लगभग हम लोगों ने 200 लोगों के कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट्स किए, लगभग 200 लोगों के, अभी अगस्त 2 तारीख से लेकर सितंबर की 28 तारीख तक। तो 200 लोगों में से 34 व्यक्ति जो थे जो लक्षण
जो मरीज लक्षणों के साथ थे, तो 34 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जो हमारे साथ और हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आशा वर्कर्स हो गए, हेल्थ वर्कर्स हो गए, उनके साथ वो लोग लगातार जुड़े हुए हैं और मेरे साथ भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, मेरे साथ भी उनके साथ फोन पे के ऊपर बातचीत होती है। तो अगर देखा जाए तो वैक्सीन लगने की के बाद जो लक्षण हैं उन लोगों के, वो उस तरह के नहीं है जिस तरह के वैक्सीन लगने से पहले, जो पहली और दूसरी लहर में थे। हालांकि लोग बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़ रहे हैं, परंतु फिर भी अभी जैसे कोरोना की जो तीसरी लहर चली हुई है और अभी गत महीनों में, आगे आने वाले महीनों में कुछ त्यौहार आएंगे या शादी समारोह होंगे, तो मैं आपके चैनल के जरिए ये संदेश देना चाहूँगा कि सारे जो लोग हैं वो इन समारोह में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें और उचित दूरी बना के रखें, और साथ में मास्क का प्रयोग अवश्य करें और सैनिटाइजर का प्रयोग भी अवश्य करें त्यौहारों में, और साथ में जो शादी समारोह चले हैं उनमें भी उचित दूरी बना के रखें।